एक व्यक्ति था, वो अपने आप को बहुत बहुत बड़ा 30 मार का समझता था शूटिंग में, और वो दावा करता था कि मैं कोई भी शूटिंग करूं, कभी भी मेरा कभी निशाना चूकता नहीं है, हमेशा सही जगह पे लगता है। तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने चैलेंज किया कि यार ओके फाइन, मुझे बताओ, मुझे करके बताओ, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो वो ले गया अपने शूटिंग यार्ड में। शूटिंग यार्ड में उसने प्ले कार्ड बनाए हुए थे, ब्लैंक प्ले कार्ड, चौरस प्ले कार्ड होते हैं ना, उसके ऊपर शूटिंग करते। 100 प्ले कार्ड से 100 फायर राउंड किए उसने, और जहां जहां जाके प्ले कार्ड में गोली लगी थी वहां जाके उसने गोल राउंड कर दिया। बोले देखा, सी द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आर यू एमिंग एंड शूटिंग और आर यू शूटिंग एंड देन एमिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है ना स्टूडेंट्स में, वो इसीलिए बढ़ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जहां पहुंच गए वही हमारी मंजिल है, उसके आगे सोचते ही नहीं है। बहुत सारे, पता नहीं मैं इस के काबिल हूं कि नहीं, लेकिन इन्होंने आइडियाज की बात की, आई आइडियाज की बात की, कहां पढ़ा रहे, ये सब हमने आप ही लोगों से सीखा है। हम हर साल कुछ ना कुछ आप लोगों से सीख के इनोवेशन करते हैं। मुझे याद है अप्पू सर को जब मैं पहले मिला था, और अप्पू सर मुझे कोट भी किया था उन्होंने लास्ट सेमिनार में, कि जब मैं पहली बार रणवीर सर से मिला तो रणवीर सर ने कहा कि हम लोगों की सोच बदलते हैं। आज सर मैं आपके सामने एडमिट करना चाहता हूँ कि वो हमारी सोच भी लिमिटेड थी, वो हमारी सोच भी लिमिटेड थी जब हमने अप्पू सर से कहा था कि हम सिर्फ सोच बदलते हैं। नहीं, आज हमें एहसास हो रहा है और भी करने को बहुत कुछ है जीवन में। जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, अगर हम उनको स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहली जरूरियात वो है दिशा की, सही दिशा। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अमेरिका के एक बहुत ही फेमस जिमनास्टिस्ट है, जिमनास्टिस्ट में तो समझते हैं, उनका रिकॉर्ड है कि आज तक मैक्सिमम गोल्ड मेडल अगर किसी ने जीते हैं तो वो जिमनास्टिस है कॉनर, मिस्टर डार्ट कॉनर। एक इंटरव्यू हुआ उनका केन रॉबिन्सन के साथ, और उन्होंने केन रॉबिन्सन को बताया कि जब मैं 6 साल का था तब उन्होंने कहीं से डिस्कवर किया कि वो हाथों पे भी उतनी अच्छी तरह से चल सकता है जितनी तरह अच्छी तरह से वो पैरों से चल सकता है। एंड काफी साल तक ऐसा चला, सीढ़ियां भी उतर सकता था हाथों के भरोसे, हाथों के सहारे, नाच भी सकता था हाथों के सहारे। बोले 8 साल की उम्र तक मैं कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ पार्टी में एंटरटेनमेंट का साधन था। पार्टी में कोई भी पार्टी में जाओ तो शू देखे, बात करवा माटे कहीं होय नहीं, कोई ना माटे बोलवा माटे होय नहीं, प्रोफेसर होय ना त्यां वधारे बोलवा माटे, पर प्रोफेसर ना होय तो बोलवा माटे शब्द ओछा पड़े, तो शब्द ओछा पड़े तो आई जाए कॉनर, चलो चाली ने बताओ, राइट। अने एने मजा आवे कारण के अटेंशन मळे छे, राइट। एक बे वरस चाली हो पछी एना पप्पा एक गेम जोई के यार कई छे आमा, કઈ છે જેનું હું આને ઉપયોગ કરી શકું છું, તો એ એને જિમ્નાસ્ટિક ક્લાસમાં લઈ ગયો ત્યાં ઓક્લાહોમા, ત્યાં લઈ જઈને એ એ એ અત્યારે કહે છે કોલર કે જ્યારે હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જિમ્નાશિયમમાં ગયો ને મને એવું લાગ્યું કે હું નશામાં આવી ગયો, મને નશો થઈ ગયો। પેલો જે ત્યાં ડમ્બલ્સ પડ્યા હતા, પેરેલલ જે પેલો પેરેલલ બાર્સ હતા, મને લાગ્યું કે હું આના માટે જ બનો છું, એટલો એટલો મને નશો આવી ગયો। અને એ જ્યારે ક્લાસ એમને જોઈન કરી એના પછી ધેર વોઝ નો લુકિંગ બેક, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ને ધેર ઇઝ ધેર વોઝ નો લુકિંગ બેક। આજે 76 યર્સ નો છે, પોતાની ઇન્સ્ટિટ્યુટ છે જિમ્નાસ્ટિક, પણ તમે એની પાછળનું રીઝન જો, આજે તમારામાંથી કોઈને આ કલા આવી જાય તો ઘરે શું કરશે, બહુ થયો વાંદરા જાય, એક્ઝામ ક્યારે છે, રાઈટ। પણ એમના પપ્પા હતા જેમને એમને એન્કરેજ કર્યું કે ના, તારામાં જે આવડત છે એને તું કઈ દિશામાં લઈ જઈશ તો તને સક્સેસ મળશે, એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દિશા। અને આનો લાઈવ એક્ઝામ્પલ અત્યારે આપણી વચ્ચે બેઠો છે, પાછળ જે તમે પેઇન્ટિંગ જોઈ રહ્યા છો, હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે અપ્પુ સરે મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યો એ વ્યક્તિ આ કલાને, પ્લીઝ ઉભો થશે,
सारे जो पेट पेट सबको भरना है, उनके पेट का भरे होगा। पर पैशन आपके अंदर जो हुनर है, क्या हम उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं? That person is the luckiest person. तो अब उस सर ने इनको गाइड किया, नहीं आप पैसे के लिए नौकरी करो, लेकिन अपना पैशन पूरा करने के लिए इस आर्ट में चालू करो। और मेरे ख्याल से आप अहमदाबाद जाकर आए और एग्जीबिशन करके आए, और उन्होंने जो पेंटिंग की कीमत ये समझते थे 700 रुपए की है, वो 2400 रुपीस में बेच कर। This is the importance of direction जो आज अप्पू सर ने इनको दी। Wish you all the best. तो ये जो दिशा है, direction है, वो बहुत important role play कर रहा है हमारे लिए। और second number पे आती है सोच, कि हमारी सोच कैसी है। Again मैं एक example देता हूँ। 1954 से पहले आदमी ये मानता था कि कोई भी आदमी 4 मिनट में 1 माइल नहीं दौड़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा साइंस मानता था। 1954 में रॉजर बैनिस्टर नाम का एक आदमी था जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा, उसने 4 मिनट में 1 माइल दौड़ के बताया। तब तक कोई नहीं दौड़ा था 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने ये रिकॉर्ड तोड़ा पहली बार। और उस रिकॉर्ड तोड़ने का फायदा क्या हुआ? उसके बाद 10 महीने में 3 लोगों ने वो रिकॉर्ड तोड़ लिया। 1954 तक किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन एक व्यक्ति ने तोड़ा तो 3 व्यक्तियों ने उसके पीछे 6 महीने में वो रिकॉर्ड तोड़ लिया। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तब तक लोग सोचते थे कि ये नहीं किया जा सकता था, तो वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एक आदमी ने कर बताया, लोगों के सोच बदल गई कि नहीं ये हो सकता है, और लोगों ने करना शुरू किया। आज ये हाल है कि 1 मिनट को तो कम नहीं कर सकते, 4 मिनट माइल बोलते हैं उसको, 4 मिनट अ माइल, माइल को तो कम कर नहीं सकते, लेकिन आज वो रिकॉर्ड 2.7 मिनट में चल रहा है आज। मतलब सोचिए, जहां साइंटिस्ट, जबकि पहले के लोग हमसे ज्यादा हटे कटे थे, जहां पे लोग पहले 4 मिनट माइल क्रॉस नहीं कर सकते थे, वहां 2.7 मिनट्स पे 1 माइल दौड़ रहे हैं। ये किसका परिणाम? वो सोच, राइट? एंड थर्ड, पहली आई दिशा, सेकंड आई सोच, एंड थर्ड योर इनर टैलेंट। अगेन, बहुत सारे बंधारण अपने दिमाग में हम बना के बैठे हैं, बहुत सारी खराब गलत चीजें हम अपने दिमाग में लेके बैठे हैं। लोग, साइंटिस्ट आज तक ये मानते थे कि टैलेंट कभी भी दिया नहीं जा सकता, वो पैदाइशी चीज, उसे कहते हैं नेचर और नर्चर। ऐसा माना जाता था कि टैलेंट को नर्चर नहीं किया जा सकता, यू आर बॉर्न विद टैलेंट, आप बाद में नहीं सीख सकते। लेकिन आज वो भी गलत साबित हो गया। आज साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि आप 60 इयर्स के बाद भी अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो आप बन सकते हैं, राइट? तो हम आई आइडियाज में कुछ नहीं करते, हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को सही दिशा मिले, बच्चों को अलग सोच में, उनकी सोच के बंधारण टूट जाए और उनके अंदर जो टैलेंट्स है, जो हिडन टैलेंट्स है, वो बाहर आ सके। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने लोग जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? आज भी हमारी इंडस्ट्री में, इंडिया में, ये मानते हैं कि जो आदमी काम करते हैं कंपनी के लिए उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है ह्यूमन के अंदर छुपे हुए रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट बना है कंपनी में, अभी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये डिपार्टमेंट अभी से तक है, जिसको स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, जहां पे उनका यही काम होता है कि हर एक आदमी, हर एक एम्प्लॉय के टैलेंट को नर्चर किया जाता है। मैं बहुत इंडस्ट्री में घूमता हूं, जिस भी इंडस्ट्रीज के पास जाके मिलता हूं, मैं एक ही प्रॉब्लम फेस करता हूं, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि सही आदमी नहीं,
और जब कॉलेजेस में जाता हूँ तो स्टूडेंट से मिलता हूँ तो क्या कहते हैं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट मिक्स कहता है आप ही नहीं मिल रहे, स्टूडेंट्स कहते हैं जॉब नहीं मिलते, तो मिसमैच कहाँ है?